देवसेना जिला बारा महामंत्री एवं भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कस्बा निवासी रामपाल गुर्जर ने बताया कि छबड़ा बारा में जो चाकूबाजी को लेकर घटनाक्रम हुआ है वह निंदनीय है। जी हां, यह इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं R9 भारत की स्क्रीन पर। संपूर्ण गुर्जर समाज के विधायक व सांसद मंत्री सचिन पायलट, अशोक चांदना, रमेश विदुड़ी, इंद्रराज सिंह, गजराज खटाना, शकुंतला रावत जैसे समाज के प्रतिष्ठित नेताओं से आग्रह किया है कि गुर्जर समाज के साथ अभी अभी छबड़ा बारा में चाकूबाजी की घटना व सहाड़ा टोक मालपुरा व बाचिड़ा में गुर्जर समाज की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार रेप जैसी घटनाओं को मुस्लिम सांप्रदायिक विशेष के लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। यह बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं R9 भारत की स्क्रीन पर। इसमें समाज के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी क्यों है, यह सोचनीय है। देखिए संवाददाता कुलदीप खोज की इस विशेष रिपोर्ट में। छबड़ा बारा में जो निंदनीय घटना चाकूबाजी की गुर्जर समुदाय के लड़के के ऊपर व नागर समाज के लड़के के ऊपर हुई है, वह घटना निंदनीय है। उसमें प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है और गुर्जर समाज के निर्दोष लोगों को दोषी बनाया जा रहा है। मेरा संपूर्ण गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री, विधायक माननीय अशोक जी चांदना, सचिन जी पायलट, शकुंतला रावत व इंद्रराज जी गुजर व गजराज जी खटाना, इन सबसे निवेदन है कि गुजर समाज के साथ अभी चबड़ा में जो चाकूबाजी की घटना व साड़ा टोक मालपुरा व बाछेड़ा में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म व बलात्कार गैंगरेप जैसी मतलब बड़ी बड़ी घटना यह हुई है, इसमें आप सब चुप्पी क्यों साधे हुए हो? अगर आप इन सब घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हो तो गुर्जर समाज भी आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। इनका खामियाजा आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा। आपका शुभ नाम? रामपाल गुर्जर। पद? भारतीय देवसेना जिला महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। घटना को लेकर समाज की ओर से क्या आपका कहना है? मेरा कहना यही है कि जितने भी गुर्जर समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित नेता है, उन सबसे निवेदन है कि क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी व खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैनबाया, इन सबसे इन हमारे समाज के प्रतिष्ठित नेताओं को मिलकर इन सब इन दोनों पर दबाव बना के हमारे समाज के जितने भी लोग निर्दोष हैं उनको मतलब थाने में भी गिरफ्तार कर रखा है, उनको छुड़वाएं और हमारे समाज के जितने भी मतलब नामजद इन्होंने आरोपी बनाए उन सबके उन सबका नाम हटवाए। हमारे समाज के जो भी गए थे वो सब ज्ञापन देने के लिए गए थे, कोई दोषी नहीं है। R9 भारत के लिए कुलदीप खोज, कवाई 12, राजस्थान। वर्ल्ड बुक ऑफ स्टोर रिकॉर्ड द्वारा ग्लोबल शांति सम्मान एवं विश्व शांति सम्मेलन 2021 का आयोजन जम्मू कश्मीर के सेरे कमिश्नर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में रविवार को किया गया। ग्लोबल शांति सम्मान व विश्व शांति सम्मेलन 2021 में आयोजन के दौरान झालवाड़ निवासी प्रेमचंद सुमन को सामाजिक सेवा में सराहनीय कार्यों हेतु जम्मू कश्मीर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता के मुख्य अतिथि के रूप में सुमन को ग्लोबल शांति सम्मान 2021 से नवाजा गया। R9 भारत के लिए अजय भारत, झालवाड़, राजस्थान।